राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रवीण और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल देखो इंडिया 365 पर। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं याना केव्स जो कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ जिले कुमता में स्थित है, जो कि गोकर्णा से अगर आप आओगे तो 51 किलोमीटर दूर है, विभूति फॉल्स से आओगे तो 10 किलोमीटर दूर है। तो हम पहुँच चुके हैं याना केव्स। यहाँ बाइक हमें 1 से 1.5 किलोमीटर दूर रखनी पड़ेगी, फिर वहाँ से जंगल में होते हुए पैदल आना पड़ेगा। कुमता के जंगलों के बीच स्थित यह अद्भुत चट्टान 390 फुट ऊंची है। अगर आप कर्नाटका या गोकर्णा घूमने की प्लानिंग कर रहे हो तो यहाँ एक बार ज़रूर आए। यहाँ चट्टान के नीचे गुफा में शिवजी का स्वयंभू शिवलिंग है, जो कि स्वयं प्रकट हुआ था। यहाँ का नज़ारा आप देखिए। दर्शन करने के बाद हमें चट्टान के चारों ओर परिक्रमा करनी रहती है, जिसका भी मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। एक ही चट्टान के दो भाग हो गए हैं यहाँ से बीचों बीच से, और वहाँ बीचों बीच में से हमें निकलना पड़ेगा। तो ये देखिए आप, कहा जाता है कि यहाँ भस्मासुर को जब शिव जी ने वरदान दिया था, उसके बाद जब भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया था तो वो यही जगह है। इसीलिए आपको चट्टान पर लावा जैसा भी दिख रहा होगा, जैसे कुछ जला हुआ हो, राख दिख रही है, आप देख सकते हैं। तो फिर चट्टान की पूरी परिक्रमा करने के बाद हम आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद मैं वापस आपको पूरे जंगल का और जंगल के बीच जो चट्टान है उसका व्यू दिखा देता हूँ। आप पूरा व्यू देख लीजिए एक बार, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पास में ही जंगल भी है, वहाँ जंगल में आप ट्रेकिंग कर सकते हैं, और वहाँ पैदल कम से कम 4 से 5 किलोमीटर आपको चलना रहेगा, ट्रेकिंग का मज़ा आएगा। जंगल के बीचों बीच में आपको चलना है, पास में से नदी होके भी गुजर रही है, तो वो भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। अभी हम एक बार परिक्रमा पूरी करके मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, चारों तरफ जंगली जंगल है, बीच में ये दो चट्टाने हैं। इसी चट्टान पर बैठकर भस्मासुर ने तपस्या की थी। एक बार दोस्तों आप यहाँ ज़रूर आएँ, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर यहाँ से हम चलते हैं सीधा जंगल की तरफ, जहाँ पैदल जाना रहेगा, और हम ट्रैकिंग करते करते जंगल की तरफ चले गए। जंगल में भी आपको एक गणपति जी का मंदिर मिलेगा, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। फिर चलते चलते मुझे प्यास लग गई, तो बहती हुई नदी से ही हमने पानी पी लिया। फिर यहाँ घूमने के बाद अब हम चले जाएंगे विभूति फॉल्स। विभूति फॉल्स जो यहाँ से 10 किलोमीटर ही दूर है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को प्लीज़ 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 एक बार सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर भी करें, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राम राम।